Round one, fight! अच्छा जी, तो मुन्ने फिर अपनी लव की डोरिया भी सुना दे। वो अपनी नोट्स वाली दिया, उसको फुल थैंक यू किया। कैंटीन ले गया था कॉलेज की। कैंटीन? वहां तो प्रिवेसी नहीं होती। सो व्हाट, मैगी और कोक में फुल डेट हो गई अपनी। अच्छा, तेरी डिक्शनरी में इसको डेटिंग कहते हैं? अब बिल्कुल, एक ही टेबल में आमने सामने। अच्छा जी, हाइट ऑफ रोमांस, एक ही टेबल। फिर क्या, एक दिन लंच ब्रेक में वो मुझे रेस्टोरेंट ले गई। शुक्र है, कम से कम लड़की तो ब्राइट है। फिर क्या, वहां पे हमने कुछ कुछ ऑर्डर किया। ऑर्डर को गोली मार तू, चुटपिट हुई। बिल्कुल, हॉबीज, फिल्मों, हीरो हीरोइनों की बातों में लगा रही थी। तो फिर तूने कौन सी हीरोइन डिस्कस की? ना जी, मैंने फोकस बिल्कुल नहीं छोड़ा, वापस नोट्स और पढ़ाई की तरफ आ गया। नालायक, इसीलिए गधे के सर पे ना सही नहीं होते। आप रहने दो, उसने पूरा इंटरेस्ट दिखाया, मैंने तो उसे उसका करियर प्लान भी पूछ लिया। अच्छा जी, हो गया ना करियर प्लान। एनीवे, लंच मीटिंग एंड कैसे हुई? वो ही, अगले चैप्टर के नोट्स। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, बिल तो तूने दिया ना? वो लेकर गई थी मुझे लंच में, मैं क्यों फालतू में पंगा लूं, उसका देना बनता है। ओए गंजक्कर, जो पैसे मेरे से लेकर गया था उसकी एफडी करवा ली क्या? ओ तफा कर यार। कैसा कद्दू है यार। उस पैसे को किसी खास मौके पर यूज करने थे ना। खास मौका? अच्छा, बको अपना खास मौका भी। मैं ना उसे बुक स्टोर ले गया। बुक स्टोर? क्यों? अरे कोई रोमांटिक नावल पूछा? क्या पूछता, घुसते ही उसने बोला कि सारी किताबें हैं उसके पास। तो फिर भी यार, कोई लव स्टोरी टाइप की किताब? मैंने ना उससे उसकी सारी किताबें मंगवा ली। खैर, उसने तो दे ही दी होंगी ना। हाँ, और भाई का अंदाजा बिल्कुल टॉप का, उसमें बहुत सारी रोमांटिक नॉवेल्स भी थी, पहन दी सारी भाई ने। इसके बाद उसने जरूर हीरो हीरोइन के जज्बात, इमोशंस डिस्कस किए होंगे ना। एग्जैक्टली, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक स्टाइल में एक्टिंग कर करके नॉवल की स्टोरी से भी आगे जा रही थी। वेरी इमेजिनेटिव गर्ल यार। पर मैंने रोक दिया, जो चीज नॉवल में है ही नहीं उसकी एक्टिंग करके बताना क्यों। और तू किसी बंदी को इमेजिन भी नहीं करने देगा, कोई मौका ही नहीं देगा। दुश्मनी क्या है तेरे को अपने आप के साथ? कैसी दुश्मनी? और चल जाने दे तू यार। तू ये बता मेरे को कि तेरे को ये कैसे पता कि तेरी वो गर्लफ्रेंड बन गई है? रोमांटिक नॉवल पढ़ लिए, डिस्कस कर लिया, एक्टिंग कर ली। भाई साहब, समझदार को ना इशारा ही काफी होता है। इशारा तो ठीक है, पर गर्लफ्रेंड वाला नजारा कहाँ है? नजारा? इमेज भी कोई चीज होती है। इमेज तो खैर डैमेज हो रही है। चल दूसरी लड़की का बता दे कुछ। मैंने पलक पर भी गेम खेल डाली। शुक्र है, वो अपनी टेनिस की जप्पी वाली ना। यस, इस बार मैंने शेक हैंड तक ही रोक दिया उसको। पर क्यों? इमेज मामा जी, ये जप्पी वप्पी पब्लिक में अच्छी नहीं लगती। अच्छा, साउंड्स इंटरेस्टिंग, यू मीन प्राइवेट में है? प्राइवेट में? व्हाई प्राइवेट? हम डरते हैं क्या आशिकी करने से? खुलेआम करी जाती है आशिकी। अच्छा तो ठीक है, फिर अपनी आशिकी की डेफिनेशन बता। सिंपल, पलक की मैंने कॉफी डेट एक्सेप्ट कर ली। ओके, पर थोड़ी सी ना इमेच्योर है ये, बगल वाले कॉफी कैफे में ले जाने की बजाय वो दूर कोसों मील सुनसान एरिया में कॉफी पिलाने लेगी। ओ वेरी फार साइटेड गर्ल यार, अप्रिशिएट।
बस हम दोनों ही थे, उसने कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया और मैंने डिटेल में वेटर्स के साथ रेसिपी डिस्कस की। और तूने ढाबा खोलना है क्या? मामा जी इंप्रेशन पड़ता है लड़कियों पे इससे। अरे वाड़ी तेरी इनमेड, कोई कुछ पूछ हुई? दाया ना थोड़ी इमेच्योर है, जैसे ही आया सैंडविच वैसी खा गई। अरे चपड़गंज जो, कोई लवली टाइप बात हुई? ऑफ कोर्स, मैंने टेनिस के उसको सारे बेसिक रूल समझा दिए। टेनिस के रूल्स? और फिर उसको बोला कि थोड़ी प्रैक्टिस कर अपने टेनिस फ्रेंड्स के साथ। अब मेरे लाल, बात तो उसको अपना मिक्स डबल्स का पार्टनर बनाने की हुई थी। नहीं, उसका गेम लेवल अभी थोड़ा लो है, थोड़ा इंप्रूव कर जाएंगे फिर बनाएंगे डबल्स का पार्टनर। गेम लेवल लो है? अब तू भी तो आ रहा था अपना टेनिस फाइनल, इसीलिए तो मैं ध्यान नहीं बटाना चाहता हूँ, इमेज भी तो वापस रिबिल्ड करनी है ना। ध्यान नहीं बटाना चाहता हूँ? अब तूने कोई साधु बन के समाधि लेनी है या गर्लफ्रेंड बनानी है? ओहो, गर्लफ्रेंड तो बन ही गई है ना, इतनी कॉफी डेट्स पे जाते तो है। अरे दफा कर तू यार, इसको गर्लफ्रेंड बनाना कहते हैं। एनीवे प्रैक्टिस कौन करवा रहा है उसको? है एक चिकना सा बच्चा, रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहा है। अच्छा, तो फिर तू क्या तोते उड़ा रहा है भाई? असली टिप तो मैं ही दे रहा हूँ, साइड से गाइड करता रहता हूँ। अरे भाग जाना है उसने चिकने के साथ। अब देखो पलक है पढ़ाई में थोड़ी कमजोर, तो उसको बोल कि च्यवनप्राश खाए। बोल दूंगा, बट मैंने क्या किया, मैंने पलक को दिया से मिलवा दिया। और ये तूने क्या किया? बोला तो पलक को नोट्स वाली दिया के साथ मिलवा दिया। दिया को पलक से मिलवा दिया? अब भाई मेरे, क्यों आत्महत्या करने पे तुला हुआ है? क्यों? दे आर बोथ चार्मिंग एंड लवली गर्ल्स, और कहीं पलक फेल हो गई तो? और तूने गर्लफ्रेंड बनानी है या कोचिंग सेंटर खोलना है? मगर मामा जी दोनों लड़कियां मान भी गई पढ़ने पढ़ाने को। हाँ, अब सबके सब टॉप करेंगे, फुल नंबर आएंगे। पर मेरे नंबर तो पलक के साथ बन गए ना। पर दिया के साथ तो तेरे नंबर बढ़ गए ना। और नहीं यार, बड़ी लंबी उम्र है दिया का होना, फिर देखा कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हाँ दिया। हे अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं वो देख यार, तू जहाँ भी है जल्दी फटाफट अपने स्टारबक्स में आ जा, मुझे इन दो सब्जेक्ट्स की बहुत टेंशन हो रही है, तेरे से डिस्कस करके शायद ठीक लगेगा थोड़ा। इतना मत बड़ा कर यार, तभी तो तेरे को टेंशन होती है। व्हाट? हाँ, एक्सरसाइज करा कर। सुन, तू ऐसा कर, तू पलक के साथ टेनिस शुरू कर दे। टेनिस? क्यों? और क्या, तेरी टेंशन भी दूर हो जाएगी और पलक को टेनिस पार्टनर भी मिल जाएगा। अर्जुन, तुमसे ना हो पाएगा। ओहो दिया, मैं हूँ ना। तू ज्यादा देर नहीं है मेरे लाल, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सारी कोचिंग करा लूंगा दिया, तो टेंशन है। लो हेलो दिया, हेलो, कट गया शक्ति दियावान? कट नहीं गया, कट गया। क्यों? क्या तू नहीं समझेगा, शी वांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन यू। सब समझता हूं मैं, दिया भी अपनी पलक भी अपनी, ये भेदभाव कैसा, वी आर अ टीम। अरे कौन से खेल में तीन खिलाड़ी होते हैं? पर एक बात बता कि किसी एक से भी कोई चिटपिट होती है प्राइवेट में? ऑफ कोर्स मामा जी, हम तीनों प्राइवेट मीटिंग्स तो करते ही रहते हैं, कभी टेनिस, कभी कॉफी, कभी पढ़ाई, हम सब साथ साथ हैं। ज्यादा दिन नहीं हो, अरे क्यों आग से खेल रहा है, मरेगा सबे। मामा जी डोंट यू वरी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। यू नो नथिंग। अरे रहम कर मेरे पर मेरे बाप, से कम एक लड़की को अपनी पक्की गर्लफ्रेंड बना ले। और दोनों पक्की गर्लफ्रेंड बनी हुई है, यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। पता नहीं क्या टेंशन ले जा रहे हो। अच्छा, मेरी प्राइवेट मीटिंग करने का टाइम हो गया इन दोनों के साथ, आई गॉट टू लीव, सी यू। अरे ओ प्यार के देवता, अरे ओ इश्क की देवी, अब मेरी जन्म जन्मांतर की पूजा का कुछ तो इनाम दो और रहम करो मेरे बच्चे पर, मर जाएगा बेचारा।